दोस्तों, ये बात 1996 की है। पंजाब में दो भाई रहते थे, प्रदीप सैनी और विजय सैनी, जिसमें विजय छोटा था, उसकी उम्र 19 साल थी, और प्रदीप बड़ा था, उसकी उम्र 23 साल थी। उस समय पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था, जिसके चलते वहां की पुलिस सभी युवाओं को खालिस्तान से जुड़े होने का दावा करते हुए पकड़ रही थी। तो और उनकी निगाह में विजय और प्रदीप दोनों भी थे। तो इसी को देखते हुए विजय और प्रदीप इंडिया छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब से लंदन लीगली वीजा लेकर जाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसी बीच उनको एक एजेंट मिला, जिसने कहा कि आप लीगली तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको इलीगली मैं भेज दूंगा। एजेंट ने कहा कि मैं इलीगली आपको प्लेन में जो सामान रखने वाली जगह होती है उसमें सेटिंग करके बिठा दूंगा, और वहां से आप लंदन के लिए निकल जाओगे। लेकिन वो एजेंट बार बार बात टालता गया, और ऐसे ही दिन बीतते गए। एजेंट द्वारा ऐसा करने पर दोनों भाई परेशान हो गए। उनको किसी भी तरह से इंडिया से निकलना था, लेकिन उनके सामने ये भी चुनौती थी कि वो जाएं तो कैसे जाएं। तो दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है इस मेन कहानी की। दोनों ने सोचा कि बात तो बन नहीं रही, लेकिन हमें किसी भी तरह से लंदन पहुंचना है। तो दोनों ने सलाह की कि हम अपने दम पर ही बाहर जाते हैं। तो दोनों पंजाब से दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर काटने लगते हैं। इन्होंने कम से कम 2 से 3 महीने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चक्कर लगाए। ये सारा ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं और किस तरह से प्लेन में जाकर बैठ सकते हैं। अब साल था 1986 और सितंबर का महीना था। दोनों भाई भी कुछ पढ़े लिखे थे। दोनों भाई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में जुट गए। ये देखने लगे कि कौन कहाँ पर खड़ा है और कोई पुलिस वाले की ड्यूटी कब कहाँ पर होती है। दोस्तों, सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली मेन गेट से अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए इन्होंने सारे एयरपोर्ट के एरिया को कवर किया और समझा। तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है वो काफी दूर तक फैली हुई है, और इसमें यहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता, जो कि बिल्कुल सुनसान जगह है। और फाइनली ये दोनों भाई अक्टूबर के महीने में एयरपोर्ट में एंट्री करने का खुफिया रास्ता ढूंढ लेते हैं। और इन 1-2 महीने के बीच वो दोनों भाई लंदन जाने वाली सभी ब्रिटिश फ्लाइट्स का टाइमिंग का भी पता लगा लेते हैं। अब ये दोनों भाई प्लेन के रनवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्लेन टेक ऑफ करने से पहले कुछ देर खड़ा रहता है। इसी तरह से दोनों भाई सिक्योरिटी और पुलिस की नज़र से बचते हुए प्लेन के लैंडिंग गियर के पास पहुँच जाते हैं। लैंडिंग गियर में दरअसल प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो उसके बाद जब टायर्स अंदर फोल्ड होते हैं तब भी इतनी जगह होती है कि एक इंसान उसमें बैठ सके। इसी तरह से दोनों अलग अलग लैंडिंग गियर्स में एक में प्रदीप बैठ जाता है और दूसरे में उसका बड़ा भाई विजय बैठ जाता है। इन्होंने प्लेन के लैंडिंग गियर के बारे में सारी स्टडी पहले ही की होती है। अब बैठने के बाद इन्होंने वेट किया प्लेन में सारा लगेज लोड होने का, वेट किया कि कब सारे पैसेंजर्स फ्लाइट्स में बैठे, और वेट किया कि कब फ्लाइट टेक ऑफ करेगा। दोस्तों, ये दोनों सोच रहे थे कि वो लंदन पहुंचेंगे या नहीं, ये उनको भी मालूम नहीं था। कुछ देर बाद फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, और एक निश्चित हाइट पर जाने के बाद पहियों को अंदर ले लिया जाता है और फ्लाइट अपनी निश्चित हाइट पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो लैंडिंग गियर में काफी खौफनाक मंजर होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। तो दोस्तों, जैसे ही फ्लाइट्स अपनी निश्चित हाइट पर जाती है तो वहां का टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए सहन करना बहुत ही खतरनाक है, उससे हमारी मौत भी हो सकती है। और प्लेन की जो स्पीड होती है वो 800 से 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से प्लेन उड़ता है, जिसके कारण वहां की तेज हवाएं इंसान के कान फाड़ देती हैं। टेक ऑफ करते ही दोनों भाई बहुत डर गए। एक तो तेज आवाज ने इनके कान फाड़ दिए, और ऊपर से जो प्लेन हाइट पकड़ रहा था जो कि 1100 मीटर से भी ऊंची हो गई थी, जहां पर ऑक्सीजन ना के बराबर थी और टेम्परेचर जो था -50 से 55 डिग्री के बीच था। ऐसे हालात में एक इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है, और ऊपर से दिल्ली से लंदन का 9 घंटे का सफर। अब दोस्तों, 9.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करता है।
है और लैंड करते ही सबसे पहले वहां पर एक वर्कर आता है जो कि वहां पर लगेज कलेक्ट करने वाला एक मेंबर था। और जैसे ही वो प्लेन के पास पहुंचता है वो देखता है कि एक इंसान प्लेन के अगले लैंडिंग गियर के नीचे बहुत ही ठंड से कंप कंपा रहा है, वो नीचे पड़ा हुआ था। और ये इंसान समझ नहीं पाता कि वो वहां पर कैसे पड़ा है, कौन है, कहां से आया है। वो काफी डर जाता है तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि यहां पर एक इंसान पड़ा है। और पूरा स्टाफ वहां पर पहुंच जाता है, पुलिस भी वहां पर आ जाती है और एक एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है। एम्बुलेंस में उस लड़के को ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में शुरू किया जाता है। सांसें चल रही होती हैं, लेकिन पूरी बॉडी ठंड से कंप कंपा रही होती है। लंदन के डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है और वो होश में आ जाता है। और जैसे ही प्रदीप को होश आता है वो सबसे पहले एक ही बात पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। दोस्तों वो दो भाई प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठे थे लेकिन उनमें से प्रदीप ही लंदन पहुंचा। अब डॉक्टर फिर से परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किसके बारे में पूछ रहा है। तो डॉक्टर परेशान होकर पुलिस को बुलाते हैं। अब प्रदीप ऐसी हालत में था कि वो सब कुछ बता सकता था, तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। प्रदीप बस एक ही बात बार बार दोहराता है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिला दो। तो डॉक्टर्स और पुलिस कहते हैं कि हमें वहाँ पर कोई और नहीं मिला। तो प्रदीप पुलिस को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो दिल्ली से लंदन प्लेन के लैंडिंग गियर में फिट होकर पहुंचे। प्रदीप ने कहा कि हम दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में बैठकर यहां पहुंचे थे। शोर इतना था कि कान के फर्दे पट जाएं और हमें जोर जोर के झटके लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से अपने आप को सेट करके वहां पर रखा। और मैं अपने भाई के बारे में भी चिंतित था कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। और अचानक से ठंड बढ़ने लगी और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। और धीरे धीरे मेरी बॉडी सुन्न हो गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। और अब आप मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। तो दोस्तों अगले दिन पुलिस को कॉल आती है कि लंदन के रिचमोंड इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी है। इसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस डेड बॉडी की पिक्चर प्रदीप को दिखाई जाती है और प्रदीप पहचान लेता है कि हाँ ये मेरा ही भाई है। प्रदीप फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस होता है कि उसने अपने भाई को खो दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि विजय की मौत ऑक्सीजन की कमी और ठंड लगने के कारण हुई थी। प्रदीप की इस बात पर पुलिस को विश्वास हो जाता है, लेकिन जब यह कहानी लोगों को पता चलती है तो उनको विश्वास नहीं होता कि कैसे दिल्ली से लंदन लैंडिंग गियर में पहुंचकर दो भाई लंदन जाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। इसके बाद काफी रिसर्च टीम्स ने इस पर रिसर्च की और एक टीम ने काफी डीपली रिसर्च करके ये पता लगाया कि प्रदीप के बचने की उम्मीद तो नहीं थी, कुछ वजह थी जिसके कारण ये उस सिचुएशन में भी बच गया। डॉक्टर्स के लिए प्रदीप का बचना एक चमत्कार से कम नहीं था। इसके पीछे तीन कारण थे। पहला कारण था कि उसकी बॉडी ने कुछ भी रिएक्ट करना बंद कर दिया था जिसके कारण तेज हवाओं का, तेज आवाज का और इस ठंडे मौसम का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी चीज उसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर था और तीसरी चीज वो बॉडी से भी थोड़ा मजबूत था। ये तीन चीजें ही थी जिसने प्रदीप को बचाया, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में बचना नामुमकिन है। इसके बाद प्रदीप पर लंदन में मुकदमा भी चला और 28 साल बाद यानी कि 2014 में उसे लंदन की नागरिकता दे दी गई। आज प्रदीप की उम्र 45 साल हो चुकी है और वो अपने बीवी और बच्चों के साथ आज भी लंदन में ही रहता है और वो उस हीथरो एयरपोर्ट पर ही टैक्सी चलाता है। उसे आज भी अफसोस है कि वो तो बच गया लेकिन उसका भाई नहीं बच पाया। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना कि किस तरह से दो लड़के दिल्ली से लंदन लैंडिंग गियर में फिट होकर पहुंचे। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली रियल स्टोरीज आप देख सकें।